आखिरकार मिल ही गया हार्दिक पांड्या का तगड़ा विकल्प। इस प्लेयर ने दूर कर दी रोहित शर्मा की चिंता। हार्दिक पांड्या पिछले कुछ समय तक दुनिया के सबसे तगड़े ऑलराउंडर्स में से एक माने जाते थे। तेज तर्रार बल्लेबाजी करने के अलावा ये खिलाड़ी गेंदबाजी में भी कुछ अहम विकेट निकाल कर देता था, लेकिन कुछ महीनों से ये खिलाड़ी एकदम लय में नहीं है। गेंदबाजी को हार्दिक कर ही नहीं रहे, लेकिन बल्लेबाजी में भी वो टीम की कमजोरी बनते जा रहे हैं। उनकी इस खराब फॉर्म के चलते वो टीम से ड्रॉप किए जा चुके हैं। नए कप्तान बने रोहित शर्मा के लिए भी हार्दिक की फॉर्म किसी सिर दर्द से कम नहीं, लेकिन साउथ अफ्रीका टूर के लिए टीम का चयन होने से पहले एक ऑलराउंडर तगड़ी फॉर्म में है। बता दें कि मौजूदा विजय हजारे ट्रॉफी में ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर तगड़ी फॉर्म में है। मध्य प्रदेश की ओर से खेलते हुए इस खिलाड़ी ने उत्तराखंड के खिलाफ बेहतरीन 50 मारी। इसके अलावा उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए। टूर्नामेंट के अंतिम 2 मैचों में अय्यर ने 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 183 रन अब तक ठोक दिए हैं। इसके गेंदबाजी में उन्होंने 5 विकेट भी झटके हैं। ये ऑलराउंडर आगामी दक्षिण अफ्रीका टूर पर टीम में एंट्री जरूर मारेगा। वेंकटेश अय्यर ने आईपीएल 2021 के 10 मैचों में 128 की स्ट्राइक रेट से 370 रन बनाए थे, जिसमें 4 बेहतरीन अर्धशतक शामिल थे। दाएं हाथ के फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर का बतौर गेंदबाज T20 में रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से दिखा दिया है कि वह हार्दिक पांड्या का बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। हार्दिक का न्यूजीलैंड के बाद दक्षिण अफ्रीका टूर से भी बाहर होना तय है। ऐसे में कप्तान रोहित अय्यर को मौका दे सकते हैं। बता दें कि बायो बबल में कोरोना के मामले आने के बाद इस साल मई में आईपीएल को स्थगित करना पड़ा। उस समय केकेआर की टीम 7वें स्थान पर थी, लेकिन यॉन मॉर्गन की अगुवाई वाली टीम ने यूएई चरण में शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल तक का सफर तय किया, जहां उसे चेन्नई सुपर किंग ने हरा दिया। केकेआर ने आईपीएल 2021 में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक का सफर तय किया। कोलकाता के इस बेहतरीन प्रदर्शन में 27 साल के ओपनर वेंकटेश अय्यर का अहम रोल रहा, जिन्होंने यूएई लेग में डेब्यू करते हुए अपनी छाप छोड़ी। वेंकटेश अय्यर को हाल ही में कीवी टीम के खिलाफ भी मौका दिया गया था। इस खिलाड़ी ने छोटी पारियां ही खेली, लेकिन उन्हीं में उन्होंने बता दिया कि वो आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। 3 T20 मैच में वेंकटेश को बल्लेबाजी का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने करीब 130 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। अब साउथ अफ्रीका दौरे पर ये बल्लेबाज अपना वनडे डेब्यू कर सकता है। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।